a scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes is stopped by applying brakes which produce a uniform acceleration of 0.5 meter per second square full stop. How much distance will be covered by the scooter before it stops? Dekhiyega. A scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes. तो स्कूटर जो है वो कितनी स्पीड पर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड पर. तो जितनी स्पीड से कोई चीज़ चल रही होती है ऑलरेडी चल रही होती है उसको क्या बोल देते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी. तो हम ये कहेंगे कि ये तो हो गई इनिशियल वेलोसिटी, इट इज 10 मीटर पर सेकंड, यू इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी. अच्छा उसके बाद इट इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, यानी कि फाइनली उसको रोका जा रहा है. तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वी वो हो गई 0 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया ठीक है. अब वो बोल रहे हैं विच प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर वो इसको रिटार्डेशन बोलते तो मैं अपने आप ही नेगेटिव साइन उसमें लगा लेता, लेकिन इन्होंने पहले से ही एक्सेलरेशन और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा कर दिया है. तो ठीक है, हमें मालूम है कि जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे मूविंग स्कूटर है यहाँ पर, जब वो फाइनली रुकता है यानी कि जब उसकी स्पीड घटती है तो एक्सेलरेशन को हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है. तो ए इज इक्वल टू माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय द स्कूटर बिफोर इट स्टॉप्स. तो डिस्टेंस बता रहा है एस यू वी ए एस. हमने तीन इक्वेशन करी है मोशन की, कौन सी इक्वेशन में आया सेकंड में? पक्का थर्ड? ठीक है देखो भाई मैं दोबारा लिख देता हूँ. यहाँ पर हमारे पास जो थ्री इक्वेशंस है ना मोशन की वो ये हैं. पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन. अब आप ये बताइए जो बच्चे सेकंड बोल रहे हैं जरा ये बताओ यू वी ए एस क्या वी है सेकंड इक्वेशन में? वी तो वेरिएबल है ही ना सेकंड इक्वेशन में, तो सिर्फ एस है, यू है, टी है और ए है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? थर्ड इक्वेशन है. थर्ड इक्वेशन में यू वी ए और एस थर्ड इक्वेशन में यूज होता है. तो हम यहाँ पर कहेंगे बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v square is equal to u square plus 2a. हाँ, distance. v square is equal to u square plus 2as. हाँ जी, v square क्या हो गया? 0 का square. u कितना है? 10. तो 10 का square plus 2 into a कितना है? Minus 0.5 into s. ये हो गया. ठीक है, तो 0 is equal to 10 का square is 100.
2 into माइनस 0.5 इज माइनस 1, माइनस 1s, ठीक। माइनस 1s को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 1s, ये s के साथ में 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ s। तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 मीटर। s इज इक्वल टू 100 मीटर, बताइए समझ गए, बोलो भाई क्लियर है, ठीक। अभी बस ये न्यूमेरिकल समझ लेना, अभी का न्यूमेरिकल सभी समझ लेना जितना समझ में आए, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि ये जो तीनों इक्वेशंस है ना, इनका मैंने डेरिवेशन भी देखा है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, जब भी हमारे पास स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे रखी होती है ना, तो उसको हम वेलोसिटी बोल देते हैं। ये यू होता है इनिशियल वेलोसिटी के लिए, वी होता है फाइनल वेलोसिटी के लिए, ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी नहीं बता हुआ तुम्हें, ठीक है। तो फिलहाल बस ये न्यूमेरिकल्स करते चलिए, मैं शुरुआत से सारा बता दूँगा, ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनमें से भी किसी को करना हो तो मैं बता दूंगा, सैटरडे या संडे को रखूंगा क्लास करवा दूंगा, ठीक। चलिए तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया, एस को हम डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस इज इक्वल टू 100 मीटर, तो ये 100 मीटर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है। अच्छा मेरी ये ऑनलाइन वालों को सभी को क्लियर है यहाँ तक, बताइए, ठीक है, ठीक है। ये तीसरा बच्चा नहीं समझ में आया, मुकुंद, रिप्शा और थर्ड स्टूडेंट सर प्रियांशु, प्रियांशु ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर speeds up to 60 किलोमीटर पर आवर, speeds up to 60 किलोमीटर पर आवर in 6 seconds, in 6 seconds, full stop, in 6 seconds, what is its acceleration? एक्सेलरेशन, अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, अब कार की जो स्पीड है जिस पर वो चल रही है वो 20 किलोमीटर पर आवर, उन्होंने बोला ना ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मतलब इतनी स्पीड पर वो चल रही है, तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, u इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक चीज हमने देखी थी कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 5/18, ठीक है। अभी इसको डिवाइड करने की कोशिश मत करो, सीधा ऐसे लिखो 25 से 100 100/18 मीटर पर सेकंड, समझ गए मेरी बात, ठीक है। मैं अभी इसको डिवाइड नहीं करूँगा, मुझे पता है 29 से 18 250 से 100 होता है, पर अभी नहीं करना, ऐसे ही छोड़ दो उसको, 100/18 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का ये रेशो होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, वो बोल रहे हैं अ कार ट्रैवलिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी स्पीड बढ़कर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो वी फाइनल वेलोसिटी वो क्या दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगेन इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 × 5/18 300/18, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगेगा आपको कि नहीं मैं 6 से करूँगा डिवाइड, 6 × 3 = 18 6 × 10 = 16, नहीं करना है, 300/18 हो गया मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे पास आ गया फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 100/18 और फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे हैं मतलब स्पीड को, इतना बढ़ने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड्स का, तो यानी कि टाइम आपको दे रखा है 6 सेकंड्स। वो पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन बताइए, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, वो ये पूछ रहे हैं। तो जरा एक बार देखिएगा, यू वी टी और ए, यू वी टी और ए, ये फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करूँगा।
हाँ जी बताओ क्या करते हैं सर बी माइनस जीरो अपॉन टी से लिखा सकते हैं हाँ ऐसे एक ही बात है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ आप नोट कीजिएगा बाई फर्स्ट इक्वेशन मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी ठीक है वी कितना हो गया 300 अपॉन 18 इज इक्वल टू यू कितना है 100 अपॉन 18 प्लस ए निकालना है मुझे और टी कितना है 6 तो ए इंटू 6 ये बता रहा हूँ इक्वेशंस सर एग्जाम में इक्वेशन प्रूव करने को क्या चाहिए बिल्कुल आएंगी तभी तो करवाई है 300 अपॉन 18 माइनस 100 अपॉन 18 इज इक्वल टू 6a हाँ जी 200 तो 200 अपॉन 18 इज इक्वल टू 6a अब क्या करिए 6 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो 200 अपॉन 18 इंटू 6 इज इक्वल टू a अब जितना डिवाइड करना चाहो अब कर लो 2 9 18 200 जा ठीक है 3 2 6 सॉरी 3 से तो हो गए 2 3 6 और 250 का तो 50 अपॉन 27 एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 50 अपॉन 27 अब इसको क्या करो डिवाइड करके देखो 50 को डिवाइड कर दीजिए 27 से ठीक है तो 27 वनजा आएगा सबसे पहले क्योंकि 27 वनजा तो 54 होता है और 27 वनजा 27 50 माइनस 27 इज 23 एक जीरो आ गया पॉइंट लगाया 27 9 9 63 6 9 2 18 6 24 बड़ा हो गया 8 7 56 8 2 16 5 216 हो गया और 10 6 4 इधर 2 बचा 2 1 1 14 इधर आ गया 0 और 5 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
फाइव आ रहा है ना, फाइव आ रहा है, चलो फिर वन आ जाएगा, तो वो 185 तो 12 मिल जाएगा। ठीक है, आप एक काम करिए, ए को सीधा मतलब टू डेसिमल प्लेस तक करूँगा, सीधा लिखिए 1.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, पर निकाल लेना पॉइंट्स पर निकाल। हाँ जी, सभी को क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, तीनों क्लियर है? यस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड, क्वेश्चन नंबर 7।
bus increases its speed from 20 km per hour to 50 km per hour, bus increases its speed from 20 km per hour to speed from 20 km per hour to 50 km per hour in 10 seconds. Full stop. Its acceleration is 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अ बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए, 20 × 5/80 18 मीटर पर सेकंड। चाहे तो इसको कर लो सिंपलीफाई, 2 9 सा सर, सब पार्ट का अलग अलग करना है फिर आंसर निकालना है, सब पार्ट का अलग अलग करना है, यानी सब पार्ट का अलग अलग नहीं इसका ऑप्शन चूज कर लो अपन, ऑप्शन के अलग एमसीक्यू पैटर्न। हां सबका पार्ट, ये पार्ट ही वो सबसे पार्ट हां मैं बोल रही हूं। 50/9 मीटर पर सेकंड, equal to 50 km per hour. So 50 × 5/18, 55 × 250/18, तो 2 9 = 18, ये हो गया 125/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास v हो गया, v मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गया। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि कितने टाइम में, तो टाइम कितना दे रखा है उन्होंने, 10 सेकंड्स। वो पूछ रहे हैं कि एक्सेलरेशन निकालना है, तो यू वी पी ए फर्स्ट इक्वेशन, तो हम बोलेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन equation of motion v is equal to u plus at, ठीक है। v देखिएगा कितना दे रखा है, 125/9 is equal to u कितना था, 50/9 plus a into t, t कितना है 10, 125/9 minus 50/9 is equal to 10 a, 125 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 75/9 इज इक्वल टू 10 a। A is equal to 8.33, so A is equal to 8.33 upon 10
तो जब 10 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाता है, जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 0.833 बोलो या 83 बोलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, समझ गए। ठीक है जी, उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में क्या है कि हम देखेंगे अलग अलग तरीके के ग्राफ्स। तो सबसे पहला हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देखिएगा कि नोट करेंगे द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी speed the distance time graph of a body moving at uniform speed is always a straight line. तो डिस्टेंस मैंने दिखाया y एक्सिस पर और टाइम मैंने दिखाया x एक्सिस पर, तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ लिख दीजिएगा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड पर अगर कोई भी बॉडी चल रही है तो उसका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलिए या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोलो, एक ही बात है, क्योंकि हम जो मोशन ले रहे हैं वो जनरली ना स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में अगर हम स्ट्रेट रोड पर जा रहे हैं तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है।
है ना, वो सेम ही रहेगा। अब जरा देखिएगा कि ये चीज ना ये है किस तरीके से कि ये यूनिफॉर्म स्पीड जो है, यानी कि जब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है सेम स्पीड, स्पीड ना आपकी बढ़ रही है ना कम हो रही है, जब सेम स्पीड है तो जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसा स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनेगा, ये देखना है। तो ये मैं आपको अलग से बता देता हूँ रफ में, उसको नोट चाहे तो कर लेना साइड में कहीं, चाहे तो रहने दो। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने स्पीड को फिक्स कर दिया 5 मीटर पर सेकंड पर, मान लीजिए फिक्स है 5 मीटर पर सेकंड, चलिए 5 मीटर पर सेकंड, तो ये टाइम है। अब सवाल ये उठता है कि मैं ग्राफ बनाना तो उनको आता है, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स होने चाहिए, एक्स की अलग अलग वैल्यूज हो, वाई की अलग अलग वैल्यूज हो, तो मैं प्लॉट करता चला जाऊंगा ग्राफ को, ऐसा ही कुछ करते हैं। इधर डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अगर फिर से बोला जाए कि स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड, अगर ये कहा जाए कि जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंट है, फिक्स्ड है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो कितनी कर दी आपने 5 मीटर पर सेकंड, आपने इतनी स्पीड रख दी। अब जो टाइम है, टाइम तो बार 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 चेंज होगा, है ना, तो मैंने कहा 0 सेकंड पर, 0 सेकंड पर बॉडी जो है वो रेस्ट में होगा। फिर मैंने बोला कि अब 1 सेकंड बीत गया, तो जब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड हुई तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना, तो स्पीड कितना 5 और टाइम की वैल्यू 1 सेकंड, तो 5 × 1 कितना हो गया 5 मीटर। तो यहाँ तो मार्क लगा लो 5 मीटर का, डिस्टेंस जो है वो मीटर में है। अच्छा, तो 1 जब टाइम है तो स्पीड कितनी है 5, तो यहाँ पर एक डॉट लगा लीजिए, दोनों लाइन जहाँ पर मिल रही है, समझ गए, जैसे ग्राफ में करते हैं कि टाइम है, यानी कि एक्स एक्सिस पर हमने टाइम को दिखाया, तो टाइम 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड से हमने वाई एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ले ली, और ऐसी 5 मीटर है, तो 5 मीटर से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ले ली, दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, अब मैं बोलता हूँ कि अब टाइम जो है वो 2 सेकंड है, 2 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा एस इंटू टी, तो स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 5 × 2, तो 5 × 2 = 10 मीटर। तो भाई 5 मीटर हमने डिस्टेंस लिया था इतना, तो 10 मीटर कहाँ होगा, इतना ही होगा, यहाँ पर हो गया ये हमारा 10 मीटर। तो 2 से 1 लाइन ऐसे ड्रॉ करो, 10 से 1 लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करो, दोनों को मिला दो, एक ये डॉट यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं मैं तो अगला देखूंगा, 3 सेकंड्स को देखूंगा, तो 3 सेकंड यहाँ पर हो गए, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, यानी कि 5 × 10, 5 × 3 = 15 मीटर, ठीक है। तो अब जब ये 5 5, तो अगला 5 यहाँ पर होगा, ऐसे ही 15 से डॉटेड लाइन इस तरह से ड्रॉ करिए, 15 हो गया, है ना, 3 पॉइंट्स हमने लिए, ऐसे ही रहने दीजिए। तो शुरुआत में हमारा जो स्पीड था, स्पीड हमने 5 मीटर पर सेकंड अचीव करी, लेकिन शुरुआत में जब टाइम कुछ बीता ही नहीं था तो बॉडी चली ही ना होगी, तो इसका मतलब 0 था उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अगर इनको ज्वाइन करते चले जाएं, ठीक है, मैं फ्री हैंड से ज्वाइन कर रहा हूँ, अगर आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो ये जितने भी डॉट्स हैं ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो दिस शोज दैट कि आपने स्पीड को चेंज नहीं करा, आपने स्पीड को तो फिक्स रखा, आप टाइम को बार बार चेंज करते, और टाइम को आप चेंज करने वाले कौन होते हैं, टाइम तो अपने आप चेंज होता है, टाइम रुकता कहाँ है, ठीक है। तो टाइम हो गया 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो हम देखते जा रहे हैं कि डिस्टेंस धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, तो टाइम बढ़ता जा रहा है तो डिस्टेंस ना यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, 5 मीटर अगला 5 मीटर अगला 5 मीटर अगला 5 मीटर, तो डिस्टेंस जो है वो यूनिफॉर्मली यानी कि पैटर्न में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी तो 5 मीटर चले थे, अभी 50 मीटर चल गए, एकदम से पता नहीं क्या हो गया, है ना, तो स्पीड एकदम से बढ़ गई, 50 मीटर चल गए, फिर आगे आपने ब्रेक लगा लिया, अब आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप खड़े हो चुपचाप, ठीक है, तो आपकी गाड़ी चल ही नहीं रही है। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि एक ही स्पीड पर जब आपका व्हीकल चलता चला जाए, तो आप ये देखेंगे कि जो ग्राफ है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन ही बनेगा,
ठीक है। तो ये इस चीज़ को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, और आपको इतना याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका ग्राफ सीधा सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है? ये जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, जीरो। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर? मुकुंद, रिमशा बताइए, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि हमारी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम है। एक्सेलरेशन क्या होता है? A is equal to, say, A is equal to B minus U upon T। अब V जो है वो भी 5 है और u जो है वो भी 5 है, दोनों 5 मीटर पर सेकंड है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया? 0, 0 अपॉन टाइम कुछ भी हो, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। तो जब आपका स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होता है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये, एक्चुअली एक्सेलरेशन का मतलब ये स्पीड का बढ़ना या स्पीड का कम होना, ना तो स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड कम हो रही है। स्पीड अगर बढ़ती है तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, स्पीड अगर घटती है तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज जीरो, सही है? ठीक है, चलिए जी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना है इसमें, इसके बाद ये भी आपने बना लिया, ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ। देखिएगा, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रही है कुछ बार से, तो ये स्पिरिट जैसी स्मेल नहीं आ रही। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हाँ नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, एक्चुअली मुझे मतलब स्मेल थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, है ना, वही स्प्रिट वाली स्मेल आ रही है। ऐसे वो सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है ना, अगर कोई बच्चा परफ्यूम भी लगा कर आ जाता है ना तो वो भी स्मेल मेरे को मतलब लगती है, चुभती है। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स होते हैं। नेगेटिव इफेक्ट ये है कि अब आप बच्चे 9th में हैं, है ना, कुछ बच्चे 10th में हैं, 10th में बच्चा आता है तो थोड़ा सा अपने आप को बड़ा समझने लगता है, 11th में बच्चा आता है थोड़ा और बड़ा समझने लगता है, 12th वाला मानता है कि मुझसे तो कोई समझदार है ही नहीं, ठीक है, तो उनको कितना भी बना नहीं सर इतना सा लगा के, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मना करता हूँ भाई, परफ्यूम या डिओड्रेंट वगैरह मत लगा कर आया करो, क्योंकि भाई तुम तो अपनी स्मेल को झेल रहे हो बस, अभी मेरे को तो सारी झेलनी पड़ रही है ना, अभी एक बच्चा कोई फ्रेगरेंस लगा कर आया, दूसरा कोई और, तीसरा कोई और, अभी वो सारे मिक्स होकर सारे डिफ्यूजन हायर कंसनट्रेशन से इधर लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं, और फिर जो है वो दिमाग में स्ट्राइक करते रहते हैं, टक 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 लगते रहते हैं, तो समझाते हैं लेकिन समझते ही नहीं। ये नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि थोड़ा सा गला खराब हो जाता है अलग अलग स्मेल की वजह से। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है इसका, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आप सभी डिओड्रेंट परफ्यूम्स वगैरह ये सब यूज़ करते होंगे, करते ही होंगे सभी बच्चे, ज़्यादातर सभी लोग भी करते हैं, आपके पेरेंट्स भी करते होंगे, मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद लगा लूँगा मेरे को पूरे दिन उसी की स्मेल मुझे ही आती रहेगी, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि सर्दियों में भी मुझे रोज़ नहाना ही होता है, क्योंकि अगर नहीं नहाएंगे तो खुद की स्मेल आने लगेगी वो, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि भाई नहाए नहीं है चलो फुस करा और अपना निकल लिए काम पर, ठीक। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, रोज़ नहाना ज़रूरी होता ही है, कहते भी आपको आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स भी कहते होंगे कि बेटा जल्दी उठा कर रोज़ सुबह नहा कर स्कूल जाया कर, वो तो पूजा करने के लिए भी बोलते होंगे,
लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो पूजा उसी दिन करते हैं जिस दिन उनका एग्ज़ाम होता है, बस भगवान आज बचा दो, अगली अगली बार से रोज पूजा करूँगा, ठीक है। तो फ़ायदा कुछ नहीं है इसका, परफ्यूम वगैरह का फालतू में बच्चे पैसे की बर्बादी। चलिए जी, तो द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस द वेलोसिटी। अच्छा, अब ये जो स्लोप है ना, ये क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये है ओ, ये वाला पॉइंट है ए, और ये वाला पॉइंट है बी, ठीक है। मैंने ऐसे देखिए, ग्राफ तो ये है, ग्राफ तो एक्चुअली ये है, ओ से लेकर ए तक जो ये स्ट्रेट लाइन बनी है। ग्राफ बनता कैसे? इसी तरीके से डॉट्स को जॉइन करते चले जाइए तो ग्राफ बन जाता है। अच्छा, स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज कॉल्ड स्लोप। तो जब भी कभी मेरे पास कोई ग्राफ आएगा, ये इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और हमसे ये पूछा जाए कि आप उस ग्राफ को देखकर उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता दो, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे बताएंगे? उसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे? आप राइट ट्राइंगल बना लें, आप यहाँ से जहाँ तक ये ग्राफ जा रहा है उस लास्ट पॉइंट से आपने डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप करा एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। तो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप करा, व्हाट इज दिस? दिस इज परपेंडिकुलर, और जो ये है ये क्या होता है? बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है। ये जो घर वगैरह होते हैं तो घरों में होता है ना कि घर अगर सड़क से थोड़ा सा ऊंचाई पर है तो जब मिस्त्री आता है तो हम कहते हैं कि भैया इस पर स्लोप बना दो थोड़ा सा, मुझे अपनी साइकिल या मुझे अपना स्कूटर ऊपर रखना है तो स्लोप बना दो। तो वो पूछता है कि अच्छा भाई साहब ये बताओ कि कितना लंबा और कितना ऊँचा, ठीक है। तो वो क्या पूछ रहा है? कितना लंबा और कितना ऊँचा, यानी कि अगर आपको ऐसा स्लोप बनाना है तो आपको एक तो लंबाई चाहिए कि घर से कितनी दूरी पर, यानी कि कितना लंबा और कितना ऊंचा, हाइट ये बतानी होती है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो ही आपको स्लोप दे देता है, ठीक है। तो कभी भी वो आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई साहब कैसा बना दूँ, ऐसा 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 ऐसा, कुछ ऐसे नहीं पूछेगा आपसे। वो ये कहेगा कि आप हाइट बता दो मेरे को और कितनी लेंथ तक स्लोप रखना है वो आप बता दो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कभी मिस्त्री को काम करते हुए देखना, वो धागा रखते हैं ऐसा सीधा, एक धागा रखते हैं और धागे के ऊपर जो है उसको कील से बांध कर और फिर नापते हैं डिस्टेंस, ठीक है। एक मेजरिंग वो भी होता है उनके पास, वो पूरा ऐसे खुल जाता है फिर वो बंद हो जाता है, होता नहीं है वो पूरे जिसमें एक इंच, हाँ इंची टेप वो होता है। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो यहाँ से क्या आ गया हमारी वेलोसिटी। परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB, और बेस क्या हो गया? OB, तो AB अपॉन OB। V is equal to AB upon OB, perpendicular upon base. उसके बाद नोट करके एक चीज और लिखिएगा, if the displacement time graph of an object is a straight line, is a straight line parallel to time axis, then
द स्पीड और वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ये आप समझ गए होंगे। स्पीड को यूनिफॉर्म लिखने की जरूरत क्या है? स्पीड है ही नहीं, स्पीड है ही नहीं, बॉडी रुकी हुई है। जब बॉडी रुकी हुई है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? जीरो होगी ना, पूरा अपना। एक हुआ करता था पहले डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक वो चैप्टर होता था, वो हटा दिया सिलेबस में से। आप लोग लकी हैं, बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत बड़ा चैप्टर था, मतलब एक महीना लगता था उसको पूरा करने में अगर टीचर ढंग से करवा रहा है तो। अच्छा अच्छा, हटा दिया, बहुत कुछ करना पड़ता था उसको। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट मीट करेंगे आप कि इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसी में नोट करना है आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस बोले या डिस्प्लेसमेंट बोले, ए की बात होती है स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ कर्व्ड लाइन, देन द स्पीड और velocity of the body is non-uniform. हमको मालूम है कि अगर distance time graph या ये आपका displacement time graph अगर curved line आ जाती है तो curved line का मतलब ये है कि जो आपकी जो speed है ना, जो आप uniform speed की बात करते थे, तो वो speed uniform नहीं रहेगी, वो speed आपकी non-uniform होगी। किस तरीके से ग्राफ है संबंध टाइम ग्राफ थे। इसके बाद फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर करवाता हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज इतना ही कर दीजिए आप।